दिल्ली NCR में बदमाशों के बुलंद हौसले हाई अलर्ट के बीच सामने आए हैं। मामला गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के नुसरतपुरा का है, जहां पर ब्रजेश गर्ग नाम के तेल व्यापारी अपनी दुकान से घर पहुंच रहे थे। घर के बाहर जैसे ही वह पहुंचे, उनकी बेटी ने दरवाजा खोला, लेकिन इस बीच तीन बदमाश बाइक पर आए और ताबड़तोड़ हवाई फायर शुरू कर दिया। बदमाशों के निशाने पर ब्रजेश गर्ग का वो बैग था जो उनके हाथ में था। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 7 लाख रुपए थे, जिसे बदमाश लूटना चाहते थे। व्यापारी ने बदमाशों से लोहा लेने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। इस बीच डर की वजह से व्यापारी की बेटी ने शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश कहां रुकने वाले थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया और व्यापारी से बैग लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जाते वक्त भी व्यस्त इलाके में बदमाशों ने कई राउंड फायर किए। व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सर, क्या घटना हुई आज? ये घटना हुई है, विजेंद्र कुमार फर्म बाबा ट्रेडर्स दुकान बंद करके अपने घर को जा रहे थे। घर के बाहर ही जो है अपाची पे जो है दो बदमाश थे, उन्होंने गोली मारी है, 2 या 3 गोली लगी है। घर हवाई फायर हुआ है और जो मतलब एक दो लड़के भी साथ में थे विजेंद्र के। क्या स्थिति है उनकी? कहने वाली स्थिति अभी नहीं है, गंभीर है। अभी स्थिति गंभीर है, बहुत गंभीर है। सर, एक लोग की बात है, गोली नहीं मारी गई है, तो क्या कुछ मामला है, कितने किलो की है? अभी थाना कोतवाली में आज शाम करीब 8 बजे उसकी ही जो दुकान से लौट रहे थे, उसके सामने बदमाश आए, जिला डिप्टी के उनके द्वारा फायरिंग की गई। संबंधित थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिनमें घटना के अलावा विजय लक्ष्मी निर्देशित किया गया है कि सर कितनी गोली मारी गई है और कितने के जो कैश है वो लूटा गया है, इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है।